लखीमपुर में सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 45 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मरने वालों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और साथ ही साथ घटना की न्यायिक जांच और 8 दिन में आरोपियों को अरेस्ट करने का वादा भी किया गया। ये जाँच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। हिंसा में घायल हुए लोगों को भी 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है और इसका असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नजर आ रहा है। लखीमपुर जाने से रोकने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश ने कहा कि किसानों पर अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा जुल्म भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे और किसानों को 2-2 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता देने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जाते समय उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया। देखिए, जिस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है तो एकदम उसके लिए लफ्ज ही नहीं है। कई महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं। जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को ख़त्म करने की राजनीति कर रही है। और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है, किसानों का देश है। किसानों ने बनाया है, किसानों ने सींचा है। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है, क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं मुझे, गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं? मैं जब CO को बुला रही हूँ तो वो छुप रहा है। छुप क्यों रहा है? छुप क्यों रहा है? अगर सही काम कर रहा है तो छुप क्यों रहा है? इसके बाद प्रियंका को सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया। गेस्ट हाउस से प्रियंका गांधी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह कमरे में झाड़ू लगाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि झाड़ू लगाकर प्रियंका उन्हें हिरासत में लिए जाने का विरोध कर रही हैं। कांग्रेस ने प्रियंका के झाड़ू लगाने का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि ये अनशन अन्नदाता के अधिकार के लिए है, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। भाजपाई हुकूमत हमारे लोकतांत्रिक व संवैधानिक अधिकारों को नहीं कुचल सकती। गांधी जी के पथ पर चलते हुए अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी। वहीं प्रियंका गांधी को सीतापुर में हिरासत में रखे जाने को लेकर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रियंका को रोकने वालों के पास वारंट नहीं था। वाड्रा ने कहा कि प्रियंका की सोच बहुत मजबूत है और वह पीड़ित परिवारों से जरूर मिलेंगी। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जिसने गाड़ी चढ़ाई है उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। सरकार को पीड़ित परिवारों की मदद करनी चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें कि रविवार को हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी देर रात दिल्ली से लखनऊ पहुंची थी और इसके कुछ देर बाद लखीमपुर के लिए वह रवाना हुई। प्रियंका रूट बदलकर पुलिस की नजरों से बचते हुए लखीमपुर जा रही थी, लेकिन सुबह 5:30 बजे पुलिस ने सीतापुर जिले में हरगांव बॉर्डर पर उन्हें हिरासत में ले लिया और उन्हें PAC गेस्ट हाउस ले जाया गया।